हमारी क्राइम टीम सेक्टर 17 ने एक वाहन चोर गिरोह को, जो इंटरस्टेट वाहन चोर गिरोह था, उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इसके तीन मेंबर, एक नीरज शर्मा 43 वर्ष, ललिता शर्मा जो नीरज की पत्नी थी वो 35 वर्ष, वह नैनी गोपाल विश्वास जो रिश्ते में नीरज का साला लगता था, इन तीनों को हमने गिरफ्तार किया है और इनकी पूछताछ में और इन्वेस्टिगेशन में इनसे जो एक थार गाड़ी हमारी सिविल लाइन के एरिया से इन्होंने चोरी की थी वो हमने रिकवर की है। और पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि इन्होंने एक गाड़ी और यहाँ से चोरी कर रखी है, और एक जो गाड़ी इन्होंने प्रयोग की थी इस वारदात में वो गाड़ी हमने इनसे रिकवर की है। और ये भी बात सामने आई है कि इन्होंने लगभग 71 मुकदमे इन्होंने माने हैं जिनमें इनकी संलिप्तता वाहन चोरी में रही है, और यहाँ से ये गाड़ियाँ चोरी करके और नॉर्थ ईस्ट में डिमांड के हिसाब से सप्लाई करते थे। इस तरह की चीज़ें इनसे पता चली हैं, और ये गाड़ी भी इनको फर्जी नंबर प्लेट लगा के, इस पर फर्जी दस्तावेज़ बना के और नॉर्थ ईस्ट में सप्लाई करनी थी, लेकिन उससे पहले हमने इनको काबू करके गिरफ्तार कर लिया, नहीं तो ये गाड़ी भी नॉर्थ ईस्ट में बिक जाती। तो इस तरह का इनका पूरा ये एक इस तरह का गिरोह काम कर रहा था, जिसको हमने पकड़ के इसको तोड़ने की कोशिश की है। और इसमें जो बाकी इनके साथी हैं उनके बारे में भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इनको हमने गिरफ्तार करके 4 तारीख को इनको गिरफ्तार किया था, और अब इनको हमने पुलिस रिमांड पे लिया था। पुलिस रिमांड के बाद आज इनको वापस हम अदालत में पेश करके और इनको जुडिशियल भेज रहे हैं। बाकी जो दूसरे मुकदमे हैं उसके बाद प्रोडक्शन वारंट पे लाके उनमें इनको गिरफ्तार किया जाएगा और आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। सर, मॉडस ऑपरेंडी क्या होती थी, किस तरह से चोरी करते थे, लूटपाट थी या घरों के बाहर से चोरी करते थे या किसी पार्किंग से चोरी करते थे? नहीं, ये जो है ना, ये पहले वहाँ से डिमांड आती थी नॉर्थ ईस्ट से कि हमें इस गाड़ी की, जैसे अब ये गाड़ी है ये थार गाड़ी थी, तो थार गाड़ी की इनके पास डिमांड आई, तो यहाँ एक शोरूम के बाहर से इन्होंने इस गाड़ी को टारगेट करके जहाँ वो खड़ी थी वहाँ से चोरी की। ये चोरी करते थे, लूटपाट नहीं करते थे, चोरी करके टेक्निकल उससे उसका लॉक करके और उसकी चोरी करके और फिर आगे ये सप्लाई करते थे फर्जी दस्तावेज़ और फर्जी नंबर प्लेट के साथ। फिर नॉर्थ ईस्ट में इस तरह का जो आगे सिस्टम है वो ये है कि भाई वहाँ पे अलग से वो रजिस्ट्रेशन नंबर बना के वहीं गाड़ियों को चला लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दूर जगह है, उसके बारे में यहाँ सूचनाएँ नहीं आ पाती, क्योंकि नॉर्थ सॉफ्टवेयर आता है उसकी मदद से ये गाड़ी को अनलॉक कर लेते हैं और उसमें फिर गाड़ी कोई भी चाबी ये बना लेते हैं उससे और उसको इजीली चला के और ले जा सकते हैं। इस तरह का सिस्टम है। कितने दिनों में चुराई है सर ये गाड़ियाँ? ये तो कई साल के दौरान की बात है, लेकिन अब भी ये कई मुकदमों में वांटेड है। पहले गिरफ्तार हो चुके हैं सर? हाँ, पहले भी गिरफ्तार हुआ है नीरज शर्मा, लेकिन अब भी बहुत सारे मुकदमों में ये वांटेड। कहाँ रहने वाले सर ये? अभी जैसा कि मैंने बताया 2 केसेस में इनकी संलिप्तता इसमें इन दोनों में आई है, बाकी आगे की पूछताछ अभी इनसे की जा रही है और भी इसमें जो संलिप्तता आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई। कहाँ के रहने वाले हैं मूल रूप से? ये अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के हैं और एक उत्तराखंड का रहने वाला। कितने गिरोह के और सदस्य इनके साथ मिलकर काम कर रहे थे? अभी इस पूरी इन्वेस्टिगेशन पे काम किया जा रहा है और भी जो लोग इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।